everyone. So here we are to know a very important thing about Lord Byron in just 8 minutes. तो इंग्लिश लिटरेचर के जो मशहूर शायर हैं लॉर्ड बायरन, उनकी ज़िंदगी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लॉर्ड बायरन का पूरा नाम है जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जीजी बायरन, लेकिन ये लॉर्ड बायरन के नाम से ही मशहूर हैं. He was born on 22nd January 1788 in England and he died on April 19, 1824 in Greece. He was a poet or satirist and he was son of Captain John and he was a famous romantic poet. All about his life. Now let's talk about his childhood. His mother Catherine Gordon raised him. Yes, his father Renavid, taking all money and jewelry while she was pregnant. तो लॉर्ड बायरन की पैदाइश से पहले ही इनके फादर इनको छोड़कर चले गए थे. तो इसको रेज सिर्फ इसकी मदर ने ही किया था, कैथरीन गॉर्डन ने अकेले ही इनकी परवरिश की. वॉज बॉर्न विद विदर्ड राइट लेग. तो ये विदर्ड राइट लेग थी इनकी पैदाइशी तौर पे. विदर्ड राइट लेग मीन्स यहाँ पे जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है कि देयर वॉज काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन हिज राइट लेग, जिसको कवर करने के लिए वो इस तरह का जूता पहनते थे एज आई एडिट द पिक्चर. तो जिसकी वजह से इनकी लेग में कॉन्स्टेंट पेन रहता था एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस सफरिंग्स ही वॉज अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्शियस पर्सन. हिज फादर डाइड इन फ्रांस व्हेन ही वॉज ओनली 3. तो ये सिर्फ 3 ही साल के थे जब इनके फादर की डेथ हुई फ्रांस में. तो उसके फादर का जितना भी कर्जा वगैरह था वो सब इस 3 साल के लॉर्ड बायरन पे आ गया. सीजोफ्रेनिक मदर एंड एन एब्यूजिव नर्स. तो इसकी मदर जो थी वो सीजोफ्रेनिक थी, मीन्स इसको एक मेंटल डिसऑर्डर था जिसकी वजह से ये जब इसको ये डिसऑर्डर होता था तो ये इसकी थिंकिंग, इसका बिहेवियर वगैरह नॉर्मल नहीं रहता था. और फिर इसके जो नर्स थी जो इसको देखभाल वगैरह करती थी वो भी एब्यूजिव थी. तो इन सब सफरिंग्स की वजह से ही हैड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ इवन इन हिज चाइल्डहुड. तो इसकी मदर जो है वो इसको विदर्ड लेग की वजह से कहती थी लिम्पिंग डेविल. तो कभी कभी वो इसको लिम्पिंग डेविल के नाम से पुकार देती. और फिर इसको इतनी ज़्यादा सफरिंग्स थी कि ही हैड कॉन्स्टेंट नीड टू बी लव. तो उनको हमेशा एक नीड रहती थी कि इसको सच्ची लव मिले, क्योंकि इसके फादर भी उनको छोड़कर चले गए थे, मदर भी जो है ना मेंटल इलनेस का शिकार रहती थी, और फिर जो नर्स थी वो भी इनके साथ एब्यूजिव बिहेवियर रखती थी. इनके बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड बायरन वॉज यंग कैरिस्मेटिक एंड टैलेंटेड. तो बहुत यंग कैरिस्मेटिक और टैलेंटेड थे. और फिर इनके लिए कहा जाता है ही इज़ बोथ अ हीरो एंड अ विलन, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ही इज़ कॉल्ड इज बोथ हीरो एंड अ विलन. एट एज ऑफ जस्ट 24 ही पब्लिश्ड वन ऑफ हिज बिगेस्ट हिट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. 24 साल की उम्र में ही इस इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा 24 ईयर्स की एज में ही बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे. हिज फैंस आर कॉल्ड इज बायरोनेमिया. इनके फैंस को बायरोनेमिया का नाम दिया जाता है. इट्स बिलीव दैट ही वाज बाईसेक्सुअल बिकॉज ऑफ हिज लव अफेयर्स एंड स्कैंडल्स. तो जैसे मैंने पहले बताया कि बचपन में इसकी इतनी सफरिंग्स थी कि इनको एक लव के लिए कॉन्स्टेंट नीड रही. तो इसको वो फाइंड करते थे बाहर के मैन और वेमेन में, तो जिसके लिए इनको कहा जाता है कि ही वॉज बाईसेक्सुअल बिकॉज ऑफ हिज अफेयर्स और फिर स्कैंडल्स भी इसके थे इस तरह के. इसके बारे में एक मशहूर बात है कि ही इज मैड बैड एंड डेंजरस नाउ. हिज फॉर्मर लवर, इनकी जो फॉर्मर लवर थी लेडी कैलोरिन लैम्प, उन्होंने लिखा है कि ही इज मैड बैड एंड डेंजरस नाउ. और फिर बायरन खुद भी कहते हैं कि प्लेजर इज अ सिन एंड समटाइम्स सिन इज प्लेजर. तो इसकी लाइफस्टाइल भी कुछ इसी तरह की थी कि सिन और प्लेजर में ही इनकी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी. लाइफ स्टाइल ऑफ लॉर्ड बायरन, हिज लाइफ स्टाइल वॉज वाइल्ड केओटिक एंड हेडनिस्टिक. हेडनिस्टिक मतलब ऐसी लाइफ स्टाइल जो हम सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए रहते हैं. तो ही वॉज लिविंग लाइफ फॉर परस्यूट ऑफ प्लेजर. हिज फ्लैम्बोयंट एंड नोटोरियस मेंबर ऑफ रोमांटिक पोइट्स. फ्लैम्बोयंट मीन्स काइंड ऑफ कलरफुल और इस तरह का, और नोटोरियस मेंबर ऑफ रोमांटिक पोइट्स. नोटोरियस मीन्स एक ऐसा बंदा जो कि किसी बैड एक्टिविटी के लिए फेमस हो. सो ही वॉज अ नोटोरियस मेंबर ऑफ रोमांटिक पोइट्स. और फिर ये अपने ब्यूटीफुल लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था. ही वॉज गुड लुकिंग. और फिर ये रात में कर्ल पेपर्स पहनता था अपने बालों पे, जिसकी वजह से इसके बाल कर्ल होते थे. तो जब भी हम लॉर्ड बायरन के पिक्चर्स या पोर्ट्रेट वगैरह देखते हैं तो ही हैज़ कर्ली हेयर, दैट्स द रीज़न.
ओके सो फोकस इज ऑफ हिज पोइट्री, कि अपनी पोइट्री में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो द फोकस इज ऑफ हिज पोइट्री आर ब्यूटी, इमोशंस, लव एंड नेचर. इसकी बेस्ट एग्जांपल है शी वॉक्स इन ब्यूटी, जिसमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. इसके जो मशहूर काम हैं वो हैं, इन 1807 बायरन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री आवर्स ऑफ इडलनेस. तो 1807 में इन्होंने सबसे पहले अपनी पोइट्री की बुक पब्लिश करी थी आवर्स ऑफ इडलनेस के नाम से, जिस पे इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. तो इस क्रिटिसिज्म का फिर काउंटर इन्होंने जवाब दिया था अपनी अगली किताबों में, जो कि हैं इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, जो कि 1809 में पब्लिश हुए, और हिज फर्स्ट टू कैंटोस. कैंटोस मीन्स जो लॉन्ग पोएम्स होते हैं वो फिर इन्होंने पब्लिश किए थे, और उनका नाम था हर लॉर्ड्स पिलग्रिमेज. इनके मशहूर पोएम्स जो हैं, शी वॉक्स इन ब्यूटी, डार्कनेस, देयर बी नन ऑफ ब्यूटीज डॉटर, द ईयू ऑफ वाटरलू, व्हेन वी टू पार्टेड, एंड दाउ आर्ट डेड, एज यंग एंड फेयर. तो इनमें से जो सबसे पहली पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसकी फुल एनालिसिस के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो यू कैन विजिट. इनकी फैमिली, फादर जॉन बायरन, इनकी मदर हैं कैथरीन गॉर्डन बायरन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. इनकी हाफ सिस्टर हैं अगस्ता बायरन ले. अगस्ता बायरन ले के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड बायरन के इनके साथ भी इलेगिटिमेट अफेयर्स थे. इनकी वाइफ हैं एने आइसाबेला, और फिर इनकी डॉटर का नाम है अगस्ता एडा. तो इनकी ये जो वाइफ हैं एने आइसाबेला, ये शादी के करीबन साल बाद ही इनको छोड़कर चली गई थी अपनी बेटी को लेके. तो बाद में जो इनकी वाइफ थी, हर नेम इज़ मेरी जैन, जिनको क्लेरमोंट भी कहा जाता है, और फिर इनसे इनकी जो डॉटर हुई उनका नाम है क्लेरा एलेग्रा बायरन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉर्ड बायरन. होप यू एंजॉयड इट.